नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुकी राखी बिरलान पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। राखी बिरलान पर लगा है यह आरोप कि अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार से 7 लाख रुपए मांगे हैं। आरोप लगाया है दिल्ली नॉर्थ वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे महेंद्र सिंह ने। महेंद्र सिंह को आपने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आज उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। उनका आरोप है कि उन्हें संगठन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा, यहाँ की राखी भी उनके चुनाव अभियान में समर्थन नहीं दे रही है। उन्होंने राखी पर चुनाव दफ्तर खोलने के लिए 7 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया और इसी के साथ अपनी उम्मीदवारी वापस दे दी। यानी आम आदमी पार्टी के लिए ये शुरुआत के साथ ही एक बड़ा झटका। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा है। ये पार्टी को मैं बताऊंगा, मैं कि कुछ जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो सरेआम पैसे मांगते हैं, 7 लाख दो 10 लाख दो, और पैसा नहीं दोगे तो विधानसभा में काम नहीं होगा। ये पार्टी को बताना पड़ेगा, पार्टी को कमजोर, ऐसे लोग कमजोर कर रहे हैं। ये पार्टी को देखना है, पार्टी को सोचना है, पार्टी को मैं बताऊंगा सारी बात रखूंगा मैं। ये परसों की बात है, कंपेन मेरा कंपेन मैनेजर और मेरा दूसरा कंपेन जो कोऑर्डिनेटर है मेरा दूसरे, और मेरा चुनाव एजेंट जो है वो गए थे, वो झाड़ू यात्रा का और जनसभा का भाई रूट क्या हो और कैसे कैसे हो, कब हो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सरेआम जो है उन्होंने उनसे पैसे मांगे कि 7 लाख रुपए दो तो विधानसभा का काम करेंगे, हम काम करेंगे, पर हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। राखी का भाई तो यहाँ तक कहता है कि मैं आएगा, मेरे पैर पकड़ेगा तो मैं इस प्रकार से काम करेंगे और पैसे लेके काम करेंगे, हम फ्री में काम नहीं करेंगे। पार्टी हमारा क्या बिगाड़ेगी, हम मंत्री हैं पार्टी के और हम MLA हैं पार्टी के।